जैसे आपको पता है प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा है कि कितने सालों से, पिछले 8-10 सालों से डेंटिस्ट की कोई पोस्ट नहीं निकली है, लगभग 13 ईयर्स, दैट्स मोर देन अ डेकेड, 13 ईयर्स से कोई डेंटिस्ट की गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकली है इन द स्टेट ऑफ J&K। तो ऐसा है अगर, तो आपके पास, आप बोल रहे हैं हम हर बार यही बहाना देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है आपके पास, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसके लिए कहाँ से बजट है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बजट है, आप हॉस्पिटल का ढांचा तो बना लेंगे, वहाँ अंदर काम करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? पेशेंट्स जो बिल्डिंग्स देख के खुश तो नहीं हो जाएंगे, ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना बिल्डिंग्स देख के, वहाँ अंदर कोई वर्किंग होना चाहिए। आप क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अंदर किसी क्वैक को रख दिया, किसी टेक्नीशियन को रख दिया, ही इज वर्किंग एज ए डेंटिस्ट, एक क्वैक वर्किंग एज ए डेंटिस्ट, ये कैसी बात हो गई? अगर आपको नहीं है, बजट नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो डिग्री बंद करें ना, कॉलेजेस बंद कर दीजिए, कॉलेजेस रखे ही क्यों हैं? आप क्यों फॉल्स होप्स दे रहे हैं बच्चों को, जो गुमराह कर रहे हो आप, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जब फर्स्ट ईयर में इंसान आता है ऐसा लगता है अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मैं सेटल्ड हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, एट द एंड क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसा रुई का पहाड़ होता है जिसको एंड पे कुछ नहीं मिलता है, एंड पे कुछ होता ही नहीं है। एट द एंड डेंटल कॉलेज में उनको कितना सफर करना पड़ता है? देखिए हमारा कॉलेज माशाल्लाह ये वेल रिप्यूटेड है, यहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, राइट, वहाँ पे जाइए, आप फार फ्लंग एरियाज में जाइए, आप देखिए वहाँ कितनी ज़्यादा निगलेक्ट है, और हाइजीन जो कितना ज़्यादा निगलेक्ट है। हमें यहाँ कुछ पेशेंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिनका स्टेज 3 कैंसर होता है, उनको तब तक कुछ पता नहीं होता, बिकॉज ये क्या होता है बहुत सारे नॉलेज नहीं होती है उनको, पता नहीं चलता कि वो क्वैक्स के पास जाएंगे या मे बी ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, यूजुअली तो निगलेक्ट हो रहा है J&K में ऐसा पूरा का पूरा ओरलाइजिंग, तो उनको पता नहीं चलता, वो एट द डेथ, वो डेथ जब उनका डेथ वर्ज पे होता है उस टाइम पे वो यहाँ आते हैं हमें ट्रीट करने के लिए। 2008 में लास्ट अपॉइंट हुआ है। आप हमें बोलिए ना, आप मतलब अगर हम सोचेंगे, अगर ये बड़े बड़े जितने भी हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अगर सोचेगी कि 2008 से कोई भी डेंटिस्ट नहीं है, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन? अगर पोस्ट नहीं है तो बंद कर दो ना, वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, आप बंद ही कीजिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सफर ना हो, फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफर ना हो। अब आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमें बस यही डिमांड है, प्लीज डू जस्टिस टू ऑल द डेंटिस्ट, हमारे लिए सीट्स निकाल, जैसे MBBS के लिए रोज हर साल उनको सीट्स निकलती है, वो अभी उनका भी इंटर्नशिप ही कम्प्लीट हुआ है, PG भी वो लोग नहीं हुए होते हैं, उनका PSC कन्फर्म हो जाता है। अगर आप MBBS के लिए ये सब कर रहे हो, वाई कैंट यू डू विद द BDS पीपल, आप हमारे लिए क्यों नहीं कर? मुझे बोलना है, आप प्रेजेंटली किसी भी डेंटिस्ट से बात कीजिए, आप उनका मेंटल हेल्थ देखिए कितना डिटेरियोरेट हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि कोई सुसाइड करे तब ये लोग सुसाइड का वेट कर रहे हैं, तब कोई एक्शन लिया जाएगा? आप किसी भी डेंटिस्ट से पूछिए, मेल फीमेल जो भी होगा, आप अलग से कहीं से मिलिए, कोई सर्वे कीजिए इस पे, और आप देखिए उनका मेंटल हेल्थ कितना डिग्रेडेड है, सारे डेंटिस्ट का मेंटल हेल्थ किस लेवल पे है।